हेडलीज जो इंटरमीडिएट लेसर है, यानी जो लेसी हुआ एक तरीके से, ओरिजिनल जो लेसी है उसने 10,000 मीटर स्क्वायर का जो ऑफिस स्पेस है वो 5 साल के लिए लीज पर लिया एंटिटी एक्स वाई जेड से, और फिर उसको बाद में सबलीज कर दिया 2 साल के लिए, यानी 5 साल के लिए लिया और 2 साल के लिए सबलीज कर दिया। तो अब बताओ इंटरमीडिएट जो लेसर है उसको कैसे अकाउंट और क्लासीफाई करेगा सबलीज को। तो सबसे पहले तो ये लेसी है खुद, तो इसको ये सबसे पहले तो आर यू एसेट क्लासिक आर यू एसेट बुक करेगा क्योंकि ये खुद लेसी है, फिर इसने सबलीज कर दिया तो एक तरीके से इंटरमीडिएट लेसर बन गया ये। तो अब देखो रिमेनिंग पीरियड 5 साल का था, उसमें से सिर्फ 2 साल का इसने सबलीज किया है, यानी सब्सटेंशियल पोर्शन सबलीज नहीं किया। तो यानी ये ऑपरेटिंग लीज से, फिर जो सबलीज है उसको ऑपरेटिंग लीज ऐसा क्लासीफाई करके अकाउंटिंग करेगा इसकी।